नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश के द्वारा कीर्तेश पटेल पिता राजू पटेल की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की। जैसीनगर जिला सागर के ग्राम सेमरा गोपाल के निवासी कीर्तेश पटेल को जैसीनगर पुलिस थाना द्वारा किसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा थाना में मारपीट की गई, जिसमें उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। पुलिस की सुरक्षा में मौत हो गई, जिसको पुलिस द्वारा बंदी गृह में फांसी पर लटकाकर आत्महत्या बता रही है। शव का पोस्टमार्टम जांच भी सही ढंग से नहीं की गई, अर्थात किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी नहीं की गई। जब परिवार द्वारा इसका विरोध किया गया तो पुलिस द्वारा मृतक के परिवार पर लाठी चार्ज किया गया और परिवार को डरा धमकाकर बिना अनुमति के शव को जला दिया गया। उक्त घटना से संपूर्ण मध्य प्रदेश में कुशवा समाज के अंदर रोष है। प्रांतीय कुशवा समाज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से 5 मांगे की हैं। पहली, मामले की न्यायिक जांच की जाए। दूसरी, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। तीसरी, मृतक के परिवार में किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। चौथी, मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पांचवी, जांच के बाद जो भी दोषी हो उन पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 दिन के भीतर उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रांतीय कुशवा समाज संपूर्ण प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, अब वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं ये तो वो ही जाने। हालांकि उनको इस आवाज को उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी कुशवा समाज से आते हैं और कुशवा समाज के द्वारा ही उनको जो भी है मंत्री बनते हैं या जो भी है पिछला वर्ग का पद मिलता है, तो वो भी सब कुशवा समाज की देन है। तो उनको इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और उनको तो आगे आके इस पर पूरे प्रांतीय कुशवा समाज का साथ भी देना चाहिए। ये घटना क्यों हुई थी, आपके इस बारे में पुलिस ने क्या साक्ष्य बताया? देखिए, ये घटना इसलिए हुई थी कि लड़का जो है कुशवा समाज से आता है और वो एक लड़की से जो है प्रेम कर बैठा, जो कि राजपूत समाज की लड़की है। दोनों ने भोपाल में शादी करी, शादी का वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद लड़की के जो भाई होते हैं और पिता होते हैं, उनके द्वारा मृतक के परिवार को, पिताजी को गाली गलौज की जाती। फ़ोन पे उसका आइडियो भी हमारे पास है और उनको बोला जाता है कि आपके लड़के को हमको पकड़वा के दो। तो उसने कहा चलिए मैं पकड़वा के देता हूँ। वो भोपाल आता है आके और लड़के को पुलिस के हवाले करवा देता है, लड़के लड़की को। तो थाने वाले, जैसीनगर थाने के पुलिस वाले लड़का लड़की को अपने थाने ले जाते हैं और वहाँ से जो है लड़के के परिजन को रवाना कर देते हैं कि आप लोग जाइए, हम पुलिस कस्टडी में इसको रखेंगे और 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। और लड़की के परिजन वहीं रुक जाते हैं और पुलिस भी वहीं रहती है और साठ गांठ करके लड़के को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में उसको अपना छुपाने के लिए ये बोला जाता है कि लड़के ने फांसी लगा ली। 2 महीने पहले वही जो कपल है वो भोपाल भी आते थाने में, उसका वो सर पहले अपना नाम बताया, योगेश मान सिंह कुशवा, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश। कुशवा जी, बताएं क्या मामला है, किस को लेकर आपने? देखिए, 2 तारीख की घटना है, सागर जिले में तहसील जैसीनगर ग्राम मोगरा सेमरा कला एक गांव है, उसमें कीर्तेश पटेल कुशवा की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मृत्यु हो जाती है, जो कि जाँच का विषय है। इसमें पुलिस द्वारा अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया जाता है मृतक व्यक्ति के ऊपर और उसको जो है लड़के वाले के घर चले जाते हैं, लड़के वाले जो है घर चले जाते हैं। उसके बाद वो मृतक पाया जाता है और उसके ऊपर चोटों के निशान होते हैं, ना ही उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाती है, ना ही उसका सही से पोस्टमार्टम हो जाता है। और शाम को पुलिस लाठियों के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार रात को 8 बजे कराया जाता है पुलिस के दबाव में। तो ये पूरा जांच का विषय है कि पुलिस कस्टडी में आखिर कीर्तेश पटेल कुशवा की मृत्यु क्यों हो गई है। तो हमारी पूरी प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ज्ञापन के माध्यम से पत्र लिखा है, उसमें निवेदन है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए और मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अगर ये मांगे हमारी 7 दिन के अंदर नहीं होती हैं तो पूरी प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये घटना कब की है? ये घटना 2 तारीख की है, जैसीनगर थाना सुर्खी विधानसभा। कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।